नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजेश कुशवाहा और आप देख रहे हैं कुशवाहा बॉयज यूट्यूब चैनल। अक्सर आपने बुद्धिहीन पिशाचों को देखा होगा कि ये भगवान राम के विषय में ये कहते हैं कि पुष्यमित्र सुंग ही राम था, और प्रमाण के तौर पर यह ब्राह्मण राहुल सत्यायन की वोल्गा से गंगा जो एक पुस्तक है उसका रेफरेंस देते हैं। अब चलिए समझ लेते हैं कि राहुल सत्यायन ने अपनी पुस्तक वोल्गा से गंगा में क्या लिखा है पुष्यमित्र के संबंध में। राहुल सत्यायन अपनी पुस्तक वोल्गा से गंगा में प्रभा नामक शीर्षक के अंतर्गत लिखता है कि कोई ताज्जुब नहीं कि यदि वाल्मीकि सुंग वंश के आश्रित कवि रहे हों, जैसे कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के आश्रित कवि थे, और सुंग वंश की महिमा को बढ़ाने के लिए उन्होंने जातकों के दशरथ की राजधानी वाराणसी से बदलकर साकेत या अयोध्या कर दी हो, और राम के रूप में पुष्यमित्र सुंग या अग्निमित्र की प्रशंसा की हो, वैसे ही जैसे कालिदास ने रघुवंश के रघु, कुमार संभव के कुमार नाम से पिता पुत्र अर्थात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कुमारगुप्त की प्रशंसा की। बस वोल्गा से गंगा में यही वह लाइन है जिसके आधार पर बुद्धि पिशाच पुष्यमित्र सुंग को राम कहते हैं या भ्रम फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं। अब थोड़ा समीक्षा करें तो राहुल ने लिखा है कि यदि वाल्मीकि सुंग वंश के आश्रित कवि रहे हों, मतलब यहाँ पर सिर्फ संभावना व्यक्त करता है, निर्णय नहीं देता कि थे ही। वह आगे लिखता है कि अगर ऐसा रहा होगा तो जैसे कालिदास ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कुमारगुप्त की प्रशंसा की, वैसे ही वाल्मीकि ने राम के रूप में पुष्यमित्र की। अब यहाँ ध्यान दें, यहाँ लिखा है कि रूप में प्रशंसा की। किसी के रूप में किसी की प्रशंसा कब की जाती है क्या या आप जानते हैं? किसी का रूपक कब लिया जाता है क्या आप जानते हैं? बेशक जानते होंगे, क्योंकि किसी का रूपक किसी से तभी लिया जाता है जब जिससे रूपक लिया जा रहा है वह पूर्व में मौजूद हो या उसका अस्तित्व उससे पूर्व हो जिसके लिए रूपक लिया जा रहा हो। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि राहुल सत्यायन सिर्फ संभावना व्यक्त करता है कि अगर ऐसा हुआ हो तो यह हुआ होगा। राहुल सत्यायन यह कहीं नहीं लिखता कि पुष्यमित्र सुंग ही राम था, वह लिखता है कि राम के रूप में उसकी प्रशंसा की गई थी। हम किसी के साथ चांद का रूपक इसीलिए बैठाते हैं क्योंकि चांद उससे पूर्व अस्तित्व में है और उसके गुणों से हम परिचित हैं। जैसे लोग उपमा दे देते हैं कि भैया आप तो चांद के जैसे खूबसूरत लग रहे हो, या आपकी छवि या आपकी सुंदरता या आपका व्यक्तित्व चंद्रमा के समान निखर रहा है। तो इस तरह की जो उपमाएं दी जाती हैं वो इसीलिए दी जाती हैं क्योंकि चांद का अस्तित्व हम जानते हैं, चांद के गुणों से हम पहले से परिचित हैं। राहुल सत्यायन के पूरे लेख से ही यह बात साबित होती है कि पुष्यमित्र सुंग का राम के रूप में प्रशंसा करना यह सिद्ध करता है कि राम का अस्तित्व पुष्यमित्र से पूर्व था, तभी पुष्यमित्र की राम के रूप में प्रशंसा की बात सामने आती है। अन्यथा अगर राम नाम का कभी कोई पात्र रहा ही ना हो तो कौन गधा ऐसे पात्र के साथ किसी रूपक को फिट करेगा, या कौन ऐसा मूर्ख होगा जो किसी काल्पनिक पात्र के साथ किसी का रूपक बैठाएगा जिसका कभी कोई वजूद ही ना रहा हो, जिसका कभी कोई अस्तित्व ही ना रहा हो। दूसरा यह महत्वपूर्ण है कि राहुल लिखता दशरथ के बारे में। तो अब आप जातक पढ़िए तो उसमें राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता सबका वर्णन आता है। अब बात करते हैं जातक में दशरथ की राजधानी का वाराणसी बताया जाना, तो सिर्फ दशरथ की ही नहीं, जातक में जितनी भी कथा है सभी कथाओं का उद्गम वाराणसी से ही जोड़ा गया है। जातक की तो पूरी कथा, चाहे आप दूरे निदान की लीजिए चाहे जातक में जितनी भी कथाएं, उन सबके उद्गम में प्रमुखतया वाराणसी को ही जोड़ा गया है। अब क्या हम इसमें बुद्ध का गप मानना स्वीकार करें? बुद्ध अपने हर बोधिसत्व की कथा वाराणसी से जोड़ देते हैं, राम को भी वो अपने पूर्व जन्म का बोधिसत्व बताते हैं और यह कथा भी वाराणसी से ही शुरू करते हैं। यह बुद्ध ने अपने जातक कथाओं में बहुत ही बड़ा विरोधाभास रखा है। खैर, इस पर चर्चा आगे करेंगे, किंतु यह जरूर सिद्ध होता है कि राम का अस्तित्व पुष्यमित्र सुंग से पूर्व था, और इस बात की पुष्टि जातक भी करते हैं जिसका उल्लेख राहुल ने किया है। अतः बुद्धिहीन पिशाचों के आईक्यू लेवल को देखकर बहुत ही तरस आता है, इनमें रत्ती भर भी कॉमन सेंस नहीं होता, इनके सामने पोटी और कढ़ी
मतलब टट्टी और कड़ी दोनों रख दी जाए तो ये उसमें भी फर्क नहीं कर पाएंगे, अन्यथा जहाँ पर किसी के साथ किसी का रूपक दिया गया हो। उस रूपक के विषय में यह कह रहा है कि जिससे रूपक बैठाया जा रहा है वह काल्पनिक है और जिसके लिए रूपक लिया जा रहा है वही रूपक वास्तविक नाम है, वही वास्तविक है। ये तो निपट मूर्खता है और बेहयापन है। तो ओवरऑल ये पूरी तरह से मूर्ख हैं और मूर्खता के साथ साथ ये दुष्ट भी हैं। दुष्ट इनको कहने के पीछे मेरा उद्देश्य यही है कि पढ़ते कम है उछलते ज्यादा है, जानते कम है छटकते ज्यादा है। तो इनकी जानकारी का स्तर क्या है मैंने आपको इस वीडियो में बताया। इस वीडियो में आप एक चीज तो समझ ही गए होंगे कि ये पूरा का पूरा जो मामला है, ये पूरा का पूरा मामला राहुल शास्त्रीत्यान की पुस्तक वोल्गा से गंगा में जो लिखा गया है ये पुष्यमित्र सुंग को राम के रूप में उपाधि प्राप्त करने के ऊपर है। जैसे आज वर्तमान में कुछ लोग जो हैं वो मोदी जी की उपमा चंद्रगुप्त मौर्य से करते हैं, ये ठीक वैसा ही था। लेकिन अब कोई मूर्ख आज से 500 साल बाद ये कहे कि चंद्रगुप्त नाम का कोई व्यक्ति नहीं था, वो तो मोदी जी ही थे, तो वो मूर्ख है, वो अज्ञानी है, वो गधा है और खास तौर से अपनी बुद्धि को खा जाने वाला बुद्धि पिशाच भी है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने आपके सामने प्रमाणों के आधार पर, तर्कों के आधार पर यह स्पष्ट करने का पूरा प्रयास किया है कि किस तरह से एक मनगढ़ंत कहानी को बना करके पुष्यमित्र सुंग का संबंध भगवान राम से जोड़ा जाता है और पुष्यमित्र सुंग को ही राम कहा जाता है। यह एक पूरा का पूरा सुनियोजित षड्यंत्र है, प्रपंच है और यह धूर्तता की पराकाष्ठा है और साथ ही साथ अज्ञानता की भी प्रकाष्ठा है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि संबंधित पुस्तकों को आप लोग स्वयं पढ़ें, उसका विश्लेषण करें, अपने तर्क के आधार पर उसको समझने का प्रयास करें और सही और यथार्थ चीजों को समाज में प्रेषित करें और समाज के बीच लेकर जाएं। इसी के साथ हमारा निवेदन है आपसे, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगा, फिर मिलता हूं आपसे अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।